से ये यांगल सुमाल अवाम की बदकस्मती है कि एक मिनिस्टर ने इसको यहाँ सिफारिशी यहाँ लगाए। गाइस कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं सुमाल गांव जा रहा हूँ क्योंकि एक ख़ास रीज़न है सुमाल गांव जाने की, तो मैं आपसे मिल रहा हूँ सुमाल गांव जाके। इस काफ़ी ठंडा मौसम है इस वक्त, मैं सुमाल की तरफ जा रहा हूँ। मैं इस वक्त सुमाल में आ चुका हूं, तो सुमाल में आने का मेरा एक मकसद था, इसलिए मैं आ चुका हूं। आप मेरे बैक साइड पे एक टावर देख सकते हैं, तो इस टावर को यहां लगाने का मकसद ये था कि यहां से आवाम फ़ायदा उठा सके, आवाम नेटवर्क ले सके। लेकिन बदकस्मती से ये यांगल सुमाल आवाम की बदकस्मती है कि एक मिनिस्टर ने इसको यहाँ सिफारिशी यहाँ लगाए, इसकी लोकेशन यहाँ नहीं थी, तो इसको यहाँ लगा कि न सिर्फ अगर ओशन से जो नेटवर्क आ रहा है उसको डिस्टर्ब किया है, बल्कि यहाँ पे जो लोकल नेटवर्क था उसको भी डिस्टर्ब किया है। और ये जो दिख रहा है ये टावर, ये जिस ज़मीन पे लगा है वो मालिक इसका पे ले रहा है पर मन, वो 15,000 शायद ले रहा है, लेकिन इसको आवाम के लिए अभी तक इसको खोल नहीं दिया गया है। ये आवाम के लिए बंद है, मालिक के लिए खुला है, ये गवर्नमेंट के लिए खुला है। गवर्नमेंट के फंड से यहाँ पे मालिक को पे जा रही है, लेकिन इसको इससे आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सोचें ऐसे मुल्क का क्या किया जाए जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा दे रही है लेकिन आवाम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, यांगल सुमाल दुर्नक के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हम एक तहरीक लेके निकल रहे हैं इसके खिलाफ, तो आप हमारे साथ दें, क्योंकि जब तक हम निकलेंगे नहीं तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। हमारे चाहे हमें कोई फैसिलिटीज़ हो ना हो, किसी को परवाह नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब भी हमें एहतजाज करना हुआ तो आप सबको इतलाक कर देंगे।